दोस्तों आज का प्लान है 28 फीट इंटू 53 फीट, ये 164 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 1484 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 15 लाख पर यूनिट। ये फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन है 28 फीट, इस साइड का डायमेंशन है 53 फीट, बैक का डायमेंशन 28 फीट और इस साइड का डायमेंशन 53 फीट। ये टोटल ग्राउंड टू टॉप फ्लोर का प्लान है। दोस्तों इस प्लान में हम लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ मेन गेट दिया हुआ है, एक मेन गेट यहाँ पे है जो स्टेयर एरिया होकर के अंदर जाता है और एक ग्राउंड फ्लोर के लिए डायरेक्ट यहाँ से मेन गेट दिया गया है। जब हम लोग इस गेट से अंदर आएंगे तो यहाँ स्टेयर एरिया आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 13 फीट इंटू 11 फीट, इस साइड का डायमेंशन 13 फीट, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट। ये डोर है अंदर जाने के लिए, यहाँ पे एक विंडो दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है रोशनी के लिए। इस स्टेयर में यहाँ से अप होना स्टार्ट होंगे, फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा, इसके बाद और अप होंगे तो सेकेंड लैंडिंग आ जाएगा, इसके बाद और अप हो करके हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। हम लोग इस गेट से जब अंदर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले गेस्ट रूम आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 9 फीट इंटू 12 फीट, इस साइड का डायमेंशन 12 फीट, इस साइड का डायमेंशन 9 फीट। इस गेस्ट रूम में यहाँ एक विंडो दिया गया है, ये डोर है अंदर जाने के लिए। इस गेस्ट रूम के साथ हमने यहाँ पे सेपरेट बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 9 फीट इंटू 3 फीट 4 इंच, इस साइड का डायमेंशन 9 फीट और इस साइड का डायमेंशन 3 फीट 4 इंच। यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है, यहाँ पे टॉयलेट सीट दिया हुआ है, यहाँ पे शावर पैनल लगा हुआ है, ये डोर है इस बाथरूम का और यहाँ पे एक वेंटिलेशन दिया हुआ है इस बाथरूम में। हम लोग इस गेस्ट रूम से जब अंदर आएंगे या फिर स्टेयर एरिया साइड से जब अंदर आएंगे तो यहाँ डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 27 फीट 4 इंच इंटू 9 फीट 4 इंच, इस साइड का डायमेंशन 27 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 4 इंच। हम लोग किचन की बात करें तो इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने यहाँ पे किचन दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 16 फीट 11 इंच इंटू 6 फीट, इस साइड का डायमेंशन 16 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट। यहाँ पे दो विंडो लगे हुए हैं इस किचन में, एक विंडो यहाँ पे है और एक विंडो यहाँ पे है, ये डोर है इस किचन का। यहाँ पर मैंने कॉमन बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 6 फीट, इस साइड का डायमेंशन 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट। इस बाथरूम में यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है, ये डोर है इस बाथरूम का। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने यहाँ पे एक बेडरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 11 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट। ये डोर है इस बेडरूम का और इस बेडरूम में यहाँ पे एक विंडो लगा हुआ है। हमने एक और बेडरूम यहाँ पे दिया है जिसका डायमेंशन है 11 फीट 5 इंच इंटू 11 फीट, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 5 इंच और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट। इस बेडरूम में यहाँ एक विंडो लगा हुआ है, ये सेपरेट बाथरूम दिया गया है इस साइड में इस बेडरूम के साथ, ये डोर है इस बेडरूम का। इस बेडरूम के साथ हमने सेपरेट बाथरूम यहाँ पे जो दिया है इसका डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट 6 इंच, इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 6 इंच। इस बाथरूम में यहाँ पे एक वेंटिलेशन दिया हुआ है, ये डोर है इस बाथरूम का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग जब इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक और बेडरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 15 फीट इंटू 10 फीट 4 इंच, इस साइड का डायमेंशन 15 फीट और इस साइड का डायमेंशन 10 फीट 4 इंच। इस बेडरूम में यहाँ एक विंडो दिया गया है और ये सेपरेट बाथरूम दिया गया है इस बेडरूम के साथ, ये डोर है इस बेडरूम का। इस बेडरूम के साथ ये मैंने जो सेपरेट बाथरूम दिया है इसका डायमेंशन है 7 फीट 3 इंच इंटू 4 फीट 6 इंच, इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 3 इंच और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 6 इंच। इस बाथरूम में यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है, ये डोर है इस बाथरूम का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग जब इस डोर से इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक और बेडरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 15 फीट इंटू 11 फीट 6 इंच, इस साइड का डायमेंशन 15 फीट और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 6 इंच। इस बेडरूम में यहाँ पे एक विंडो दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है। हम लोग वाल की बात करें तो इस प्लान में सभी वाल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है।
दोस्तों इस प्लान में आपको मिलता है 5 रूम, एक रूम यहाँ पे है गेस्ट रूम, एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे है और एक रूम यहाँ पे है। इस रूम के साथ यहाँ सेपरेट बाथरूम मिल जाता है, इस रूम के साथ यहाँ सेपरेट बाथरूम मिल जाता है, यहाँ पे एक बेडरूम है और इस गेस्ट रूम के साथ ये सेपरेट बाथरूम मिल जाता है। यहाँ पे बड़ा सा किचन मिलता है आपको और ये कॉमन बाथरूम एक मिलता है। डाइनिंग स्पेस भी बड़ा सा है और यहाँ पे सेपरेट स्टेयर है। दोस्तों इस प्लान में ग्राउंड फ्लोर की तरह फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सेम डायमेंशन रहेगा, सारा कुछ सेम जगह में रहेगा। दोस्तों ये था हमारा 28 फीट × 53 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।